ये क्या के लिए बनाता है ना इसको? इसको डिजाइन के लिए ना, इसका भी कुछ है? इसका भी बहुत असली भी है यहाँ में पूरा मीनिंग मालूम है। हम आज तक न्योकुम नहीं मनाया ऐसा बतने आओ यहाँ मितुन करते बोले ऐसे नहीं बोलते है ना यहाँ में मितुन का पत्नी के लिए खून रखता हो रहा है। यहाँ पर न्योकुम के लिए पूरा प्रिपरेशन हो रहा था, एक टीम के लिए ये सब न्योबंग बना रहा है। न्योबंग ऐसा दिखता है, इसको बनाया गया था उस दिन 15 में स्पोर्ट डे शुरू हो रहा था स्पोर्ट के लिए, तो ये डेमो के लिए बनाया था। एक्चुअली वो बड़ा वाला है, यह है वॉइस मैगडेंस के लिए। ये हम लोग का लड़की ग्रुप लोग था, थोड़ा रेस्ट कर रहा था, प्लस क्या ड्रेस पहनेगा उसका सब डिस्कशन भी चल रहा था, और लड़का लोग प्रैक्टिस कर रहा था, और ये दीदी लोग है कुछ कुछ बना रहा था डेकोरेशन के लिए। ये हम लोग को दुमपिन में डालने के लिए सूता दिया है डांस करते समय पहनने के लिए। ये लोग काली न्युबंग में ताव भी ऐसे सजा रहा था, हम लोग तो ताव ही बोलता है। डेकोरेशन उन लोग का स्टार्ट हो गया था, घर आने के बाद में जो हम लोगों को दुमपिन टोकरी ऐसे में डालने के लिए सूता दिया था उसको हम अपना दुमपिन के लिए बना रहा था जल्दी जल्दी, क्योंकि मॉर्निंग को तो टाइम नहीं मिलेगा, हम लोग को 7 AM से गेटर होने को बोला था, इसलिए जल्दी जल्दी बना रहा था। गाइस ये मैं हूँ और ये है ग्राउंड, ये है पानी, यहाँ पानी गिर रहा है। सुबह का 7 बजे हम लोग को बुलाया गया था प्रैक्टिस के लिए, लेकिन यहाँ आके देखा तो पेंडल पूरा तहस नहस हो चुका था रात का बारिश का कारण से, और ग्राउंड तो कीचड़ कीचड़ हालत ही नहीं था। और यहाँ पर हम लोग को करना था दिन में डांस, और ये सब को थोड़ा मदद करने के बाद में हम तो वापस चला गया, क्योंकि हम कपड़ा नहीं पहना था, जाके पहन कर आने का बाद यहाँ जो हमें नहीं जुड़ रहा उसको पहना है, उसके बाद हम पोमो पहना था क्योंकि हम डी लाइन में खड़ा कर रहा था, और ये लोग भी अपना अपना ड्रेस पहन लिया था। कुछ डेकोरेशन बन के रखा हो और लड़की लोग को तो ना खींचे तो ऐसे हो ही नहीं सकता, ये लोग खींच रही। अभी यहाँ पे मैक्सिमम इंसान लोग गैदर हो चुका है, ये है स्टेज, हम लोग अपना डांस में मेगा डांस में फर्स्ट फॉर्मेशन ही होगा DNGC, तो हम लोग डी वाला ने पहना है पोमो, उसके बाद जी और सी दुमपिन पहन रहा है, डी एन और जी दुमपिन पहन रहा है, सी जो पारी पहना है वो ट्रॉफी है उस दिन 15 और 16 में खेला वाला का, आज उसको मिलेगा जो जो जीता है। ये सब वेलकम पता करके गेस्ट को वेलकम करने के लिए लाइन पर है, ये है मेन डांसर, सबका माता का कलर से इसका सबसे अलग है, अब तो डांस इसको पीतेगा। यहाँ पर फॉर्मल लाइन है एंड इस साइड पारी और दुमपिन खड़ा कर रहा है। यहाँ पर हमारे रुक रुक के हालत पतली हो चुकी है, पतली है और पतली हो अभी आने के अभी आएगा होगा, ओ सिला रहे अभी आ जाएगा होगा। इट्स बीन 1 hours। गेस्ट का रिसीव हो लेने के बाद में हम लोग यहाँ पर डांस पार्टी जो है साइड में वेट कर रहा था अपना डांस के लिए, और ये हम लोग का डांस था, हम लोग रिकम पाडा और रिमिक्स कुछ गाना सॉन्ग में हम लोग किया था। ये लड़का लोग आने का बाद में सबका जोश बढ़ गया था साइड ऑडियंस का, उन लोग का डांस का स्टेप देख के हम खुद का डांस स्टेप भी भूल रहा था। आफ्टर डांस हम लोगों ने कॉलेज कैंपस अंदर में थोड़ा सा वीडियो बनाया, रील्स ऐसे दीदी बहन लोग का साथ में। रील्स बनाने का बाद में जब निकल के देखा तो ग्राउंड में बुया हो रहा था, ये लोग बुया कर रहा था, इसको नींबू बोलते हैं, नींबू का राउंड राउंड करके ये लोग बुया कर रहा था। हम लोग ने तो बुया नहीं किया क्योंकि शायद में खाना दे रहा है बोल रहा था, तो मैंने कुछ वीडियो क्लिक कर लेने के बाद में जाकर खाना की लाइन में लग गई। बुया तो बहुत लोग कर रहे थे और खाना की लाइन भी बहुत ही ज़्यादा लंबा था, क्या ही बोलो, इतनी देर लंबे लाइन के बाद में हमको फाइनली खाना मिल गया था, हम सामने में फोन ही किया था। और ये था हम लोग का खाना प्लेट, लेकिन बहुत सस्ता था, बहुत ख़राब लगा मुझे। आधा लोग खाना खा रहा था, ये लोग यहाँ पर कोई कोई ओपन डीजे टाइप का डांस कर रहा था, हम लोग तो खा के घर को निकल पड़े। सो गाइस न्योकुम इज फिनिश और मैं जा रही हूँ बैनर्स उतारने, एस ऑलरेडी मैंने पहले बताया है रेंट पेती हूँ, पर्दा खरीदने का औकात नहीं, इसलिए बैनर उतारने जा रही हूँ। गाइस ये है बैनर, इसे मैं पर्दे के बदले में अपने घर में लगाने वाली हूँ जुकार। बैनर थोड़ा बड़ा था तो मेरा अकेला से तो होने वाला नहीं था, इसलिए बहन हम दोनों मिलके ये पूरा कॉमन रूम में लगाया है हम लोग का जो रेंट है ये, तो लेकिन भी
बड़ा है रेंट भी, इसलिए कॉमन रूम में इसको लगा दिया। सो इतना दिन फ्री न्योकुम क्या क्या अटेंड करके, मेगा डांस करके, मेगा डांस तो बहाना था, मेरा असली इरादा तो ये बैनर लेना था, तो मैंने ले लिया, लेकर मेरे यहाँ पे लगा भी लिया है। एंड पर्दा इतना दाम है मार्केट में, इसलिए बैनर लगाया है। घर में बल्ब तो अभी 20 रुपीस वाला लाल बल्ब है, पैसा हुआ तो LED लगाएंगे, क्या करे, नो मनी नो हनी। सो टिल देन बाय बाय, डू फॉलो सब्सक्राइब शेयर कमेंट्स एंड व्हाट इज दिस लाइक।